हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मल्टी टेक्निकल क्लासेज में। सो गाइस, हम लोगों ने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर वाइज सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चरल ऑफ मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं। और स्ट्रक्चरल ऑफ मैकेनिक्स में मैंने जो स्टार्ट किया है, मेरा इंट्रो है, उसका मैंने एक बार रिविजन कर दे रहा हूं। कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैकेनिक्स मैंने बताया था कि ये ब्रांच ऑफ साइंस होता है जिसमें फोर्स और उसके इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है, यानी फोर्स लगे और उसका जो इफेक्ट पड़े वो क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि कितने पार्ट होते हैं, तो इसको देखो तो इसके थर्ड पार्ट होते हैं। मैंने इस पार्ट को बताया था कि जो पहला होता है ये मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी होता है। फर्स्ट क्या होता है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कहते हैं। तथा सेकेंड होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, जिसे सोम या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। तथा थर्ड था मैकेनिक्स ऑफ फ्लूड, ठीक, जिसे FM या फ्लूड मैकेनिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि रिजिड बॉडी क्या होता है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। मैंने बताया था कि रिजिड बॉडी जो होता है उसके शेप और साइज चेंज नहीं होते, वो भले ही डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाता है, यहाँ बगल यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, लेकिन उसके शेप और साइज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और डिफॉर्मेबल बताया कि उसकी जो रिलेटिव पोजिशन पार्टिकल होते हैं, वो उसका प्लेस चेंज हो जाता है, यानी उसके शेप और साइज में भी डिफॉर्मेबल हो जाता है, वो डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया था लोड, ठीक, ये मेरा रिवीजन है, क्योंकि मेरा फोर्थ लेक्चर है, ठीक है, ये रिवीजन है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कि लोड क्या होता है। लोड मैंने बताया था कि जो वजन होता है जो किसी भी मेंबर या किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी मशीन पर एक्ट कर लगता है, ठीक है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कि जो लोड होता है किस तरह से होता है, तो लोड का टाइप्स जो होता है, डेड लोड, लाइव लोड, एक्सियल लोड, ट्रांसवर लोड, टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड सीएल लोड होता है। तो मैंने बताया था कि डेड लोड क्या होता है, फिक्स लोड होता है, जो भी किसी भी मशीन का लोड होता है या किसी भी क्या कहते हैं ब्रिज का लोड या किसी भी स्ट्रक्चर का लोड, वो फिक्स लोड होता है, डेड लोड होता है। उसके बाद मैंने बताया था लाइव लोड, लाइट लोड माने अचल भार होता है, डेड लोड माने अचल भार, और लाइव लोड माने चल भार माने चलता फिरता। इसका मतलब यह होता है कि लोड का वजन जो होता है कम बेसी होता रहता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सियल लोड बताया था, एक्सियल लोड मैंने बताया था कि किसी भी मेंबर, ठीक, मैंने एक्सियल लोड के बारे में बताया था कि किसी भी मेंबर, वो चाहे जैसा मेंबर हो, अगर उसके उस मेंबर के लेंथ या लेंथ के पैरेलल एक्ट करता हो तो एक्सियल लोड कहलाता है। एक्सियल लोड मैंने दो तरह से बताया था कि एक सेंट्रल हो सकता है, एक इसेंट्रिक हो सकता है। यानी सेंट्रल तब होगा जब उस मेंबर के पैरेलल लगे, ठीक है, उस मेंबर कोई भी मेंबर है उसके पैरेलल लगे, यानी जैसे मान लीजिए कोई मेंबर है इसके इस तरह से ही पैरेलल लगे और उसके सेंटर से वो पास होते हुए जाए, यानी उसके अच्छों से पास होता हुआ जाए, इस तरह से एक्ट करे, तो उसे सेंट्रल लोड कहते हैं। तथा उस सेंटर अच्छे से यानी सेंट्रल से उसके सेंटर से थोड़ा ऊपर या नीचे यानी कुछ दूरी पर बनाकर जाए वो लोड, तो उसे कहते हैं सेंट्रल लोड माने जो उसके सेंटर से गुजरे, और इसेंट्रिक लोड माने होता है जो कुछ ई दूरी पर यानी कुछ दूरी पर उसके सेंटर से कुछ दूरी पर एक्ट करे, उसे इसेंट्रिक लोड। ट्रांसवर लोड मैंने बताया था कि कोई भी मेंबर होता है उस मेंबर के लेंथ के परपेंडिकुलर लगे, जैसे कोई भी मेंबर, ये मेंबर है, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर इस तरह से ऊपर, मान लीजिए कोई मेंबर है, ये मान लीजिए कोई ये मेंबर है, इस मेंबर के ऊपर इस तरह से लगे लोड, तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स लोड। ये सब मैंने बताया था, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कि टेंसाइल लोड क्या होता है। यदि कोई टेंसाइल लोड मैंने बताया था कि यदि कोई बॉडी पर लोग खींचने का बल ला कार्य करता है, यानी पुलिंग बल कार्य करता है, उसे टेंसाइल बल कहते हैं। तथा कंप्रेसिव बल यानी किसी भी मेंबर को दबाने का, जैसे मान लीजिए मेंबर है, इस मेंबर को इस तरह से पुश किया जाए यानी धक्का दिया जाए, ठीक है, पुश किया जाए यानी धक्का दिया जाए यानी दबाने का कार्य किया जाए, तो उसे कंप्रेसिव लोड कहते हैं। अगर इसको खींचने का कार्य किया जाए तो इसे टेंसाइल लोड कहते हैं, ठीक है। सीएल लोड मैंने बताया था कि इस अगर मान लीजिए कोई मेंबर इसको इस तरह से काट दिया जाए यानी काटने का कार्य करे, तो उसे सीएल लोड कहते हैं। या इसके इस तरह से यदि किसी भी सेक्शन पर उसे देखे उसे काटता हुआ जाए, ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ से देखा जाए तो इसको काटते हुए निकल जाए, वो कौन सा लोड कहलाता है, सीएल लोड कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया था टाइप्स ऑफ बॉडी मैंने बताया था कि इलास्टिक बॉडी हो सकता है, प्लास्टिक बॉडी हो सकता है, रिजिड बॉडी हो सकता है। इलास्टिक और प्लास्टिक को मैंने बताया था फ्लेक्सिबल होता है और रिजिड माने एकदम कठोर होता है, ठीक है। तो इलास्टिक बॉडी ऐसा बॉडी होता है कि जिसमें अगर हम उसको क्या कहते हैं कि इलास्टिक बॉडी ऐसा बॉडी होता है, यदि उस बॉडी को हम डिफॉर्म करें तो डिफॉर्म हो जाए, और अगर छोड़ दिया जाए यानी उस पर जो फोर्स लगाएं तो वो बॉडी खींच सकता है या दब सकता है,
लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो पुनः अपने स्थान पे आ जा सकता है, यानी उसमें जो होता है डिफॉर्मेबल शून्य होता है। यानी यदि किसी बॉडी को हमने खींचा यानी पुलिंग किया तो खींचा तो वो बॉडी तना, और उसके बाद अगर हम फोर्स को छोड़ दिया तो बॉडी पुनः अपने स्थान पे जितनी उसकी लंबाई थी पुनः वो लंबाई एडजस्ट कर जाए, तो उसे इलास्टिक बॉडी कहते हैं। प्लास्टिक बॉडी जिससे यदि किसी बॉडी को मैंने मान लीजिए खींचा तो उसको तना, लेकिन उसके बाद मैंने फोर्स को छोड़ दिया तो वो तन ही गया, नहीं उसके लंबाई में परिवर्तन हो गया तो वो कहलाएगा प्लास्टिक बॉडी। रिजिड बॉडी में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कि जो हमारा स्ट्रेस, उसके बाद मैंने कल नेक्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस माने प्रतिबल, प्रतिबल का मतलब बल के ऊपर, यानी प्रतिबल बल का अपोजिट होता है। यानी कैसे मान लीजिए किसी फोर्स पे यदि हम बल लगा रहे हैं, यानी कंप्रेसिव बल लगा रहे हैं, तो इसके अपोजिट में जो बल लगता है वो कहलाता है प्रतिबल कहते हैं। इसके पार्टिकल के अंदर जो पार्टिकल का बल फोर्सेस लगता है, यानी पार्टिकल अपोजिट करते हैं उस बल का, विरोध करते हैं, उसे बोलते हैं प्रतिबल। मैंने उसके बाद बताया था टेंसाइल और कंप्रेसिव, इसके टाइप्स बताया था कि फर्स्ट टाइप्स होता है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए कोई बॉडी है, इसको मैंने पुलिंग कर रहा हूँ यानी खींच रहा हूँ, तो यानी टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, तो उसके बाद जो पार्टिकल होते हैं वो अपना अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं यानी विरोध करते हैं इस चीज़ का, तो वहाँ से कौन सा स्ट्रेस निकलता है, टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस मान लीजिए इसको हम दबा रहे हैं, उसके बाद जो पार्टिकल होता है न दबने का यानी विरोध करते हैं, तो उसको वहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेस निकलता है। उसे डायरेक्ट एंड बेंडिंग, डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने बताया था कि डायरेक्ट भी ये कंप्रेसिव टेंसाइल ये सब डायरेक्ट के ही अंतर्गत है, तथा बेंडिंग के, बेंडिंग जो होता है, बेंडिंग मैंने किसी मान लीजिए कोई बॉडी है इस तरह से, इसके ऊपर बेंडिंग बोला या ट्रांसवर्ड लोड लगे तो ये इस तरह से बेंड हो जाता है। मान लीजिए जैसे इस तरह से बॉडी है, इस पर इस तरह से लोड एक्ट कर रहा है, ठीक, उसके बाद ये बॉडी इस तरह से बेंड हो जाता है, ठीक, ये इस तरह से बेंड हो जाता है। तो देखो ये जो बेंड हुआ ना, तो यहाँ स्ट्रेस जनरेट होता है, क्योंकि जो यहाँ पार्टिकल होती है ये जो लेंथ होता है ये छोटा हो जाता है, ये लेंथ बड़ा हो जाता है, तो यहाँ टेंसाइल, यहाँ नीचे जो होता है टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है और ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, ऊपर इस तरह से दबता है और नीचे इस तरह से फैल जाता है लेंथ, तो यहाँ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस होता है। सीयर स्ट्रेस मैंने बताया कि सीयर जो होता है, जहाँ सीयर कटिंग की कार्य होता है, यानी जहाँ चीज़ें जो होते हैं कट जाते हैं, यानी बॉडी को जैसे मान लीजिए कि इस तरह से मान लीजिए कोई बॉडी है और इस तरह से कोई स्ट्रेस लगा और इसको काट दिया, यानी बॉडी को दो टुकड़ों में कर दिया, यानी इस तरह से मानकर चलिए इस तरह से, तो वहाँ जो जनरेट होता है स्ट्रेस वहाँ सीयर स्ट्रेस होता है। और टेंजेंशियल स्ट्रेस मैंने टार्क के रूप में बताया था, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है या टार्क स्ट्रेस भी टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिस तरह से मान लीजिए कोई यहाँ फिक्स है और इसके बाद इस तरह से टार्क जनरेट होता है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट होता है। आगे मेरा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सॉरी आगे मेरा जो होता नया कॉन्सेप्ट है जो कि स्ट्रेस के बाद मैं पढ़ने वाला हूँ, आज का नया टॉपिक है वो क्या कहते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेस के बाद अब स्ट्रेन स्टार्ट होने वाला है, तो आज हम देखेंगे स्ट्रेन, स्ट्रेस मेरा हो गया, अब स्ट्रेन क्या होता है। वो तो अभी मैंने जो सारी चीज़ें बोर्ड पे बताए वो हो चुका है, वो आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी आज का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रेन है। क्या है स्ट्रेन? स्ट्रेन माने विकृति, हिंदी क्या बोलते हैं भाई इसे, विकृति। स्ट्रेन माने विकृति। विकृति क्या होता है? देखो विकृति होता है यानी एक इसका मतलब होता है कमी को दर्शा रहा है, विकृति का मतलब है कि किसी भी तरह का त्रुटि हो गया उसमें, कहने का मतलब ये है। देखो स्ट्रेन जो होता है, यदि कोई मैंने हमारी कोई बॉडी है उसमें किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, पहले परिवर्तन क्या था, यानी जो परिवर्तन हुआ वो और जो बाद में परिवर्तन हुआ उस दोनों का रेशियो होता है, स्ट्रेन कहलाता है। यानी जैसे कोई भी बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक, इस पर इस तरह से फोर्सेस लगे, किसी भी तरह के फोर्सेस, मान लो कंप्रेसिव पी फोर्सेस लगे, तो ये बॉडी इस तरह से हो गया, ठीक, यानी बॉडी जो था यहाँ तक था तो हमारी बॉडी छोटी हो गई, यानी हमारी बॉडी क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, यानी बॉडी में परिवर्तन तो हुआ, यानी पहले लंबाई यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 10 mm था, अब बॉडी हमारी हो गई 5 mm, तो इन दोनों का रेशियो है, यानी जो हमारा चेंज हुआ, चेंज कितना हुआ, 5 mm हो गया, और पहले ओरिजिनल कितना था, 10 mm, इन दोनों का रेशियो होता है यानी 0.5, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेन होता है, हमारा क्या होता है, स्ट्रेन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है,
यानी स्ट्रेन जो होता है यानी परिवर्तन को डिफेंड करता है। डिफाइंड किसको करते हैं, परिवर्तन को डिफाइंड करता है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता क्या है कि जो हमारा लेंथ या किसी भी एरिया या किसी भी तरह का स्ट्रेन हो सकता है, यानी उसके डायमेंशन में चेंज होता है। तो स्ट्रेन का डिफिनेशन होता है, स्ट्रेन का डिफिनेशन होता है कि इट इज़ रिलेशन होता है, या रिलेशन होता है चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। किसमें, चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशनल या डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, ये क्या हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेन को एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, यह होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन यानी ये रेशियो होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो होता है, क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो यानी स्ट्रेन कहलाता है। देखो ये दोनों डायमेंशन है, इसलिए ये दोनों का मात्रक हो जाता है कैंसिल आउट, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन आता है जय में कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक यानी मात्रक विहीन होता है या यूनिटलेस होता है, तो स्ट्रेन होता है। ठीक, तो इसे इसे भी डिफिने इसे इसे भी डिनोट करते हैं, यानी देखो इसका सिंबल जो होता है ई होता है या एप्सिलॉन होता है। इसका डिफिनेशन हो गया, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन दैट्स कॉल्ड इज स्ट्रेन। क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेन की कोई मात्रक नहीं होती है, यानी स्ट्रेन की कोई बीमा नहीं होती है, यानी ये बीमा विहीन होता है। ठीक है, बीमाहीन होता है। ठीक है, इसका कोई मात्रक या कोई बीमा नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, बीमा विहीन होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देखो एक्चुअली पूरी तरह से देखो समझो कि जो स्ट्रेन होता है, जैसे ध्यान से देखो, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं, स्ट्रेन जो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि कोई हमारी बॉडी है, क्या है, किसी भी तरह की हमारी बॉडी है, जैसे मान लीजिए इस तरह से मान लीजिए आप फिक्स है। ठीक है, और इसकी लेंथ अगर हम देखें यल है, यहाँ से अगर इस पर पी फोर्सेस लगा दिया जाता है तो ये बॉडी और पी फोर्सेस नीचे की तरह कार्य कर रहा है तो ये बॉडी और लंबी हो जाएगी, यानी इस तरह से बॉडी बन जाएगी। ठीक, यानी हमारी बॉडी इनिशियली जो हमारी बॉडी थी स्टार्ट में हमारी बॉडी की लेंथ यहाँ तक थी। ठीक है, अब हमारी बॉडी की लेंथ हो गई यहाँ तक, यानी डेल एल जो हमारी बॉडी है लेंथ बढ़ गई। डेल एल पहले तो यल ही थी, अब यहाँ इतनी बॉडी की लंबाई हमारी बढ़ गई। तो देखो हुआ क्या कि स्ट्रेन जो होता है, मैंने बताया स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, यानी डायमेंशन में कितना चेंज हुआ, ये इतना चेंज हो गया। ठीक है, यानी चेंज इन डायमेंशन है डेल एल अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्टार्टिंग में डायमेंशन कितना था, वो इन दोनों का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन दैट कॉल इज स्ट्रेन। ठीक है, चेंज हमारा कितना हुआ, देखो हमारी जो होती है बॉडी हमारी क्या थी, इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी चेंज कैसे हुआ ना। देखो हमारी जो बॉडी है अभी हमें फर्स्ट इनिशियली हमारी बॉडी की लेंथ कितनी थी एल, बाद में हो गई एल प्लस डेल एल, यानी अगर पूरा देखा जाए तो एल प्लस डेल एल हुआ कि नहीं। ठीक, यानी हमारा चेंज हुआ कितना कि हमारा बाद में कितना हुआ एल प्लस डेल एल था बाद में, और शुरू में कितना था, शुरू वाला घटा देते हैं, शुरू कितना घटा देते हैं किसको, एल को, यानी जो पहले था, यानी हमारे हो गए कितना इस पूरे में से, इस जितना था हमारा शुरू में उसको निकाल देंगे तो हमारा पता चल जाएगा ना कि कितना घटा है कितना बढ़ा। और अपन ओरिजिनल तो एनियल था, इसको सॉल्व करेंगे तो यल यल से कैंसिल नहीं, डेल यल अपन यल आए गया ये। ठीक, डेल यल अपन यल आए गया, ये हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेथ
क्या कहते हैं, हाइट किसी भी तरह का हो सकता है, डायमेंशन यानी चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, अगर लेंथ में चेंज हो रहा है, या चेंज इन हाइट अपन ओरिजिनल हाइट, चेंज इन क्या कहते हैं ब्रेथ अपन ओरिजिनल ब्रेथ, यानी क्या कहते हैं चौड़ाई में, इस तरह से। तो हमारा स्ट्रेन होता है कि चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होगा किसी भी डायरेक्शन में, चाहे लंबाई के डायरेक्शन में, चाहे मोटाई के, चाहे चौड़ाई के, चाहे ऊंचाई के, किसी भी डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेन हो सकता है, ठीक। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक। टाइप्स किसके टाइप्स, इसके टाइप्स जो होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में हम देखते हैं, दिख रहा है ना, हाँ ठीक। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में हम देखते हैं कि जो होता है, इसके मुख्यतः मेन थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल, क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी लेंथ के डायरेक्शन में। सेकंड हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। एंड थर्ड हमारा क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। देखो हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सेकंड शियर स्ट्रेन, थर्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल का हिंदी होता है अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल का हिंदी अनुदैर्ध्य विकृति स्ट्रेन का। शियर, शियर का शियर ही, और वॉल्यूमेट्रिक माने होता है आयतनात्मक विकृति, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक माने होता है आयतनात्मक विकृति, शियर, शियर माने कटिंग का, यानी कर्तन विकृति। अगर इसका हिंदी लिखा जाए तो अनुदैर्ध्य विकृति, कर्तन विकृति, और वॉल्यूमेट्रिक का माने होता है वॉल्यूम, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दोनों, तीनों रहता है उसमें, ये होता है आयतनात्मक विकृति। अब देखो एक एक करके हम पढ़ते हैं इस बात को, ये ध्यान से देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल विकृति या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता क्या है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारा जो होता है कंप्रेसिव एंड टेंसाइल किसी भी एक्शन में या किसी भी फोर्स एक्शन में हो सकता है। जैसे कि यदि हमारी बॉडी, ध्यान से देखना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं एक एक करके, हाँ चलो देखो। यदि हमारी मान लीजिए कि इस तरह से है, मान लीजिए यहाँ फिक्स है, और इस तरह से कोई बॉडी है, और इस पर पी फोर्स, अभी जो फर्स्ट वाला बताया, मान लीजिए पी अमाउंट का कोई फोर्स लगा है, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है कि बॉडी हमारी जो होती है इस तरह से, इसकी लेंथ में चेंज आ जाता है, यानी लेंथ लंबी हो जाती है, यानी स्टार्ट में क्या था, इतने था, यानी यल था, यल था। अब यहाँ डेल यल लंबाई क्या हो गई इसकी, बढ़ गई, तो यानी इसका स्ट्रेन निकलेगा, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन, यानी इसकी जो डायमेंशन थी, ध्यान से देखना, लंबाई थी क्या यल, बाद में हो गई एल प्लस डेल यल, यानी इतना हो गया, यानी चेंज कितना हुआ, डेल एल का चेंज हुआ, तो डेल एल चेंज इन डायमेंशन, यानी चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ यल, ठीक। ये लेंथ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। अगर ब्रेथ के इस रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम कहेंगे कि चेंज इन ब्रेथ अपन ओरिजिनल ब्रेथ, ठीक है। डेप्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो चेंज इन डेप्थ अपन ओरिजिनल डेप्थ, ठीक है। ये तो हमारा हो गया किसमें, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब ये किस तरह का एक्ट कर रहा है, फोर्स टेंसाइल। मान लीजिए इसी तरह हमारा दबाने वाला फोर्स हो तो वहाँ भी चेंज आएगा, ध्यान से देखना। ये हमारा हो गया टेंसाइल में, ये सब लॉन्गिट्यूडिनल ही हो रहे हैं लेंथ के, लॉन्गिट्यूडिनल माने लेंथ के, यानी अनुदर्द विकृति यानी लेंथ के रिस्पेक्ट में। सेकंड जैसे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे बॉडी इस तरह से बॉडी है, इस पर पी अमाउंट का फोर्स लग रहा है, तो जाहिर से बात कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ये बॉडी छोटी होगी, जाहिर सी बात है बॉडी छोटी होगी, यानी बॉडी स्टार्ट में कहाँ थी, यहाँ तक थी, लेकिन बॉडी हो गई यहाँ, ठीक। यानी अगर इसकी लंबाई एल है, ठीक, और बाद में हो गई क्या, बाद में हमारी लंबाई जो होती है कम हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए ये डेल एल लंबाई, ये जो होती है ये डेल एल लंबाई यहाँ तक इतना कम हो गई, तो बची कितने, एल माइनस डेल एल, समझे कि नहीं। जैसे देखो शुरू में हमारी लंबाई एल थी, लेकिन जब हम इसको दबा दिए, यानी फोर्स लगाए कंप्रेसिव, तो दबेगा तो हमारी जो लंबाई इतना घट गई,
इतना कम होगी। यहाँ देखो, यहाँ से लेकर अगर देखे जाए तो यहाँ से यहाँ तक की यही हाइट है, ये कम हो गई, यानी इतना दब गई तो इतना कम हो गई। ये दबी कितना, माना कि डेल है लंबाई दब गई, तो ये बची कितना, यहाँ से तक टोटल थी क्या एल, एल में से ए वाला डेल एल घटा देंगे तो यहाँ ये वाला पता चलेगा, नहीं समझेंगे नहीं। तो अब बताओ कि चेंज कितना हुआ, चेंज इन, अब स्ट्रेन अगर निकालोगे तो स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितनी चेंज हुए, ध्यान से देखो लेंथ में कितनी चेंज हुए, डेल ए इतना चेंज हुआ कि नहीं हमारी लंबाई, इतना इतना हमारी चेंज हुआ कि नहीं, क्योंकि हमारी जो थी स्टार्ट में क्या थी, हमारी जो बॉडी थी ये शुरू शुरू ये थी, ठीक, उसके बाद हमारी बॉडी ये हो गई, ये कहते हैं एल माइनस डेल एल, इस तरह से एक मिनट दिखना भी चाहिए। स्ट्रेन इज इक्वल टू, ध्यान से देखो हमारी बॉडी शुरुआत में थी इतनी लंबी एल लंबी थी, अब बाद में हो गई कितनी एल माइनस डेल एल, वो कि नहीं, इतना हो गई, शुरू में थी इतना और बाद में हो गई कम हो गई इतना। अगर जो हो गई जो स्टार्ट में थी उसमें में से जितना बाद में हो गई वो वाला निकाल देंगे हमारा पता चलेगा ना कि कितना कम हुआ अपन ओरिजिनल लेंथ, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी डेल एल अपान एल आए, ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रेन, इसमें लॉन्गिट्यूडनल में वो भी कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है, तो समझ गए कि नहीं। या इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये पहले इसके बाद ये घटा तो माइनस में आएगा, ठीक, यानी हमारा हो गया कि चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। आगे हमारा है सीयर स्ट्रेन, इसके लिए तो टाइम लगेगा। सीयर स्ट्रेन माने कटिंग का स्ट्रेन होता है, जैसे ध्यान से देखो सीयर स्ट्रेन होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई बॉडी इस तरह से है, ठीक, थ्री डी डायमेंशन, ये मान कर चलो इस तरह से, अगर इसका नामांकन कर दिया जाए ए, यहाँ से फिक्स कर दो बॉडी को, यहाँ बी, और क्या और भी कर सकते हैं, यानी मान लीजिए यहाँ सी डी, अगर यहाँ ई एफ भी कर सकते हैं ई एफ, और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ जी, या यहाँ जी यहाँ एच भी कर सकते हैं जी और एच, ठीक। अब सीयर स्ट्रेन की बात कर रहा है, यानी जाहिर सी बात है सीयर फोर्स लगेगा, यानी सीयर फोर्स माने इस बॉडी के इस प्लेन पर, यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से कटते हुए फोर्स मान लीजिए कार्य कर रहा है, ठीक। ये जब फोर्स जाएगा इसको कट करते हुए निकलेगा तो यहाँ से तो बॉडी फिक्स है, देखो यहाँ से बॉडी तो फिक्स है, यहाँ हिलेगा नहीं, यहाँ से बॉडी हिले डुलेगा नहीं क्योंकि यहाँ से फिक्स है, यहाँ से किसी भी तरह का बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन ये जो ऊपर वाला बॉडी फ्री है, ये बॉडी इस तरह से झुकेगा, यानी देखो ये जो लेंथ है ये ए से लेकर डी, ये थोड़ा इस तरह से होगा, समझे, और वैसे बी सी ये भी इस तरह से होगा, वैसे ये इस तरह से होगा, इसी तरह बॉडी हमारी जो होती है डिफॉर्म होती है, इस तरह से होगा, ठीक है। सो वीडियो अगर लंबा ना हो तो इसलिए मैं चाहता हूँ वीडियो लंबा ना, इसलिए इसे नेक्स्ट टॉपिक में कराएंगे और आगे चलकर हम आगे चल के कंटिन्यू लगे रहेंगे, क्योंकि अब जो मैं रिवीजन करा रहा था उसमें थोड़ा टाइम लगा और आगे चल के यही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार बता दे रहे हैं कि देखो इस ए थ्री डी में हमारा मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर सीयर फोर्स ऊपर की तरह एक्ट कर रहा है, अगर मान लीजिए जब सीयर फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई बॉडी है, यहाँ से फिक्स है, यहाँ से इस तरह से है, ठीक है, और इस पर ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा है या तो जाहिर से बात ये इस तरह से ये बॉडी झुक जाएगी, लेकिन ये यहाँ वाला पोजिशन वहीं रहे क्योंकि यहाँ से बंधा हुआ फिक्स है। इसी तरह ये भी है कि यहाँ से जो है फिक्स है, लेकिन ऊपर वाला जो भी सभी जो होता है ऊपर वाला जो डायमेंशन होता है सब ये अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जैसे डी जो होता है डी थोड़ा दूर जाकर यहाँ हो जाता है, जी यहाँ जा जाता है, ई या फिर यहाँ हो जाता है, इसी तरह से बने रहते रहते, यानी डी जो होता है इस तरह से यहाँ आ जाएगा, ये मान लीजिए ये जैसे ये है ना, ये बॉडी घूमते इस तरह से यहाँ आएगा, यानी यहाँ आएगा डी, इसका नाम डी डैश रख दिया जाएगा, इस तरह से इसको मिला दो, ठीक। इसी तरह हमारा जी आएगा यहाँ, यहाँ जी डैश रख दो, इसे इस तरह से मिला दो, ठीक है।
और फिर ये एफ फोर्स है, ये एफ क्या है, ये फोर्स है, ये हमारे लिए एफ फोर्स है, ये यहाँ लिखते हैं ठीक, एफ फोर्स। इसी तरह हमारा एफ आ जाएगा यहाँ, इस तरह से बढ़ जाएगा, यानी एफ डैश। और हमारा क्या चेंज होगा, इसी तरह हमारा जो सी है ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, यानी ये जो ये पोजीशन यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सी डैश, ये क्या हो जाएगा सी डैश। और इसे इस तरह से मिला दो, इसे क्या करो इस तरह से मिला दो ठीक, और ये इस तरह से, इसी तरह ये भी इस तरह से मिला देंगे, तो हमारा जो एंगल बन रहा है किसमें, ये जो हमारी चेंज थी, ये लेंथ थी, ये बदल कर यहाँ चला गया, यानी डी यहाँ पहुँचा ना, यही ए डी, ये इस रूप में हो, ए डी डैश में परिवर्तन हो, यानी यहाँ से देखे यहाँ, तो यहाँ कितने एंगल का डिफार्म हुआ, ये कितना एंगल परिवर्तन हुआ, वैसे ही इस तरह इसमें भी कितने एंगल का परिवर्तन हुआ, यही हमको फाइव फाइंड आउट करना है कि यानी कितना हमारा बढ़ा, एंगल कितना बढ़ गया, यानी चेंज कितना हुआ। तो हमारे निकालें आगे चल के हम बताएंगे इस वीडियो में कि हमारा जो आ जाएगा, देखो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेंथ, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। अब करेंगे क्या कि जो चीज़ें हमारी होती है, ये चीज़ें पहले हमारी थोड़ी स्टार्ट में तो ये थी, बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया ये हुआ है, यानी ए ध्यान देना, इस बॉडी को ए डी डैश माइनस और ए डी करेंगे, ए डी अपान ओरिजिनल भी तो ए डी था ठीक, ध्यान देखना ए डी डैश के लिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ हमारी बॉडी, शुरुआती हमारी ये थी, यही लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक चला गया ए डी डैश, और माइनस इसको घटा दिया अपान ओरिजिनल, इन दोनों ये और इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए कि ये एंगल इतना छोटा बनता है कि इसके इक्वल आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी डी डैश अपान ए डी, ये चीज़ें। इसी तरह इसका भी निकालोगे बी सी का तो आ जाएगा स्ट्रेन इजकल टू, यही चीज़ें कहाँ से सी सी डैश, सी सी डैश अपान या यही बी सी, ये हमारा हो गया स्ट्रेन ठीक। ये चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा स्टार्ट से। सो यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हम लोग इसी तरह बने रहेंगे अपने कंटिन्यू में, कंटिन्यू फॉर्म में चलते रहेंगे। और अभी तो हम सोच रहे हैं कि हमारा जो वीडियो है लंबा ना हो, इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे चल के हम सारे वीडियो करेंगे, टॉपिक पूरा क्लियर करते ही छोड़ेंगे ठीक। और आप लोग लगे रहे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारा इसी तरह सपोर्ट करो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद।